गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं वॉकिंग करने, और मैंने 50 मिनट वॉक किया यहाँ पे। वॉक करने के बाद आ गई घर पे, बेटी को स्कूल भेजा, उसका टिफिन वगैरह बना करके उसी टाइम मैंने रख दिया था जीरा अजवाइन, मतलब मीडियम मीडियम छोटा चम्मच ले लिया था मैंने, और दोनों डाल दिया था। उसके बाद से अदरक मैंने कूट लिया है, इसको भी मैंने डाल दिया, और अच्छी तरह से इसको हम 4 से 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे तेज आंच पर। उसके बाद से छान लेंगे। ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्स वाटर है और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है, और जो हमारा बेली फैट है ना उसको भी कम करता है और बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। इसमें डाल लिया है मैंने आधा नींबू, और ऐसे घोल करके इसको हम पी लेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपना वेट, क्योंकि आज से हम अपना वेट लॉस वाले रूटीन में आ गए हैं। हम ही नहीं, आप लोग को भी आज से आ जाना है, ठीक है? देखो कितना वेट बढ़ गया है 2-3 किलो, 3 किलो आराम से वेट बढ़ गया है मेरा। और ऐसे ही होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कम होने में इतना जिल्लत, में क्या ही बताऊँ, कितना परेशान। आप लोग के सामने ही मैं कितनी मेहनत करती हूँ, उतना रिजल्ट मिलता नहीं है, पता नहीं, उसके लिए वेट स्टक हो जाता है और बढ़ने के लिए नहीं तो क्या ही करें। इसलिए मैं दिखा रही कि अब से हम वेट लॉस की जर्नी में हैं हम सब, तो देखते हैं किसका कितना वेट कम होता है। 7 बज रहा है, बेटी को जस्ट स्कूल भेज दिया, बेटी की मेरे जो स्कूल टाइमिंग है चेंज हो गई है, अब बस 7 बजे आ रही है। पहले 6:20 पे आ जाती थी, बहुत हड़बड़ी मची रहती थी, और इधर की मुझे वॉक करने का टाइम नहीं मिलता था। और मॉर्निंग में वॉकिंग रनिंग करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। जो बाहर सुबह सुबह निकलो, फ्रेश फ्रेश सब हवा मिलता है ना, वो इतना अच्छा फील कराता है। और वॉक करके लौटो तो ऐसा लगता है एक अलग से एनर्जी बॉडी में आ गई। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी टाइमिंग जो है 7 बजे की हो गई है, बस आराम से 7 बजे आती है। मैं उठ करके 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, उठती हूँ, 5-10 मिनट में उठना होता है। उसके बाद से फ्रेश फ्रेश होके 5:20 तक 5:25 तक निकल लेती हूँ अपना, और आराम से 6:30 बजे तक आराम से वॉक करके घर आ जाती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। आज तो रनिंग करने नहीं गई मैं, अभी सडन से रूटीन में आई हूँ छोड़ने के बाद, तो तुरंत से हर चीज़ को नहीं वो करना है, अभी बॉडी को ढालनी है, 2-4 दिन लगेगा। एक तो वैसे ही मतलब रूटीन छूटने के बाद कितना मतलब टफ हो जाता है रूटीन में आना, है ना। बट कोई ना, मैं करवा चौथ के पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखी थी कि नहीं, बस करवा चौथ बीतने दो, तुरंत से सारा कुछ रूटीन फॉलो करना है, वेट लॉस में, वेट लॉस की जर्नी में तुरंत से आना है, क्योंकि बहुत अकड़म पकड़म में खाई हूँ। इतना सारा वेट दिखाया है ना मैंने, कितना वेट बढ़ गया है, कितना सारा वेट बढ़ रखा है, देखा आप लोगों ने, लगभग 63 किलो हो गया, 63 से ज़्यादा हो गया, 63.5 वगैरह हो गया है एक मिनट में मेरा मोटर बोल रहा है, बंद करके आती हूँ। हेलो, तो आ गई मैं। पानी चला रखा था मैंने, तो मोटर जब बोलने, टंकी भर जाती है तो मोटर आवाज देता है ना, पानी की टंकी भर गई है इसको पी लेते हैं फिर बातें करते, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आराम से घुट घुट पिए, या फिर अगर एक बार में पी रहे हैं तो पतली सी धार और आराम आराम से उसको निगलना है, जैसे अभी मैं पी रही हूँ जैसे वैसे। अगर इस तरह से कंटिन्यू पिए तो बड़े आराम से इसको खींचना है अंदर, ये नहीं कि बहुत ढेर ढेर सारा मुंह में पानी लें, ठीक है? बात, अदरवाइज आप घुट घुट पियो तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा तेज़ गर्म ही रहना चाहिए। नींबू भी डाल दिया मैंने। बहुत सारे लोग बोलते हैं शहद पानी पी रही हूँ वेट कम नहीं हो रहा है। शहद आपका ओरिजिनल है, क्या चीज़ आप ओरिजिनल, क्या चीज़ आप ओरिजिनल खा रहे हो बताओ? हर चीज़ तो मिलावटी मिल रहा है, वेट सिर्फ खाने से नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे उसके रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ों में, हर चीज़ में, सब्जियों तक में मिलावटी चीज़ें, इंजेक्शन लगा लगा के उसको बड़ा कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों का साइड इफेक्ट हमारी बॉडी को पड़ रहा है, इसलिए भी वेट बढ़ता है, ठीक है? नींद कम हो गई है लोगों की। शहर में तो 12 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, क्या नींद ले रहे हैं इंसान बताओ? ऑफिस ड्यूटी वाले को दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं कि वो सो सके, तो कितने, 4-5 घंटे की नींद, हर एक इंसान को 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, 7 से 8 घंटे की नींद, कोई सो रहा है 8 घंटा? नहीं, वो भी एक कारण है, टेंशन एक कारण है मोटापा का। पानी भी पीना है, 3 से 3.5 लीटर, 4 लीटर अगर हो सके तो 4 लीटर पियो, बट मैं 4 लीटर नहीं पीऊंगी, 3-3.5 लीटर मैं पीऊंगी। तो ये मैंने पानी का बॉटल भर के रख लिया है, और अभी जब मेरा रूटीन गड़बड़ होता है ना, तो
तो प्रॉपर तरीके से मैं कुछ भी नहीं फॉलो करती, ना डाइट ना वर्कआउट। वर्कआउट तो मैं टहलने सिर्फ जा रही थी, पानी भी मैं 3 लीटर नहीं पीती थी, ऐसा वाला रूटीन हो रखा था। आप सभी लोग भी पूरा अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लो और रूटीन में आ जाओ। इस ब्लॉग के बाद नेक्स्ट डे से आप हर चीज़ फॉलो करोगे, ठीक है? बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और आज क्या है, 22 है। बीच में एक और चीज़ डिस्टर्ब करेगा, नहीं तो अभी 21 दिन का चैलेंज लेकर के आते, तो क्या किया जाए बताइए? चैलेंज में रहा जाए या फिर ऐसे नॉर्मल रूटीन जैसे हम अपना वेट लॉस का रूटीन करते थे वैसा किया जाए, आप लोग बताओ, ठीक है? कि दिवाली में भी अभी हो जाएगा खाना पीना लगभग, है ना? तो कोई बात नहीं, दिवाली तक खूब तगड़े से करते हैं डाइट और वर्कआउट, ठीक है? जो इधर का जंक फूड खाया है ना वो अपना कम हो जाएगा दिवाली तक, फिर दिवाली इंजॉय करके फिर से उसके बाद से चैलेंज लेकर के आते हैं, ठीक है? फिर आराम से करते हैं। और जो क्वेश्चन है आप पूछिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे, और वीडियो लानी होगी तो उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। वैसे तमाम टॉपिक पे वीडियो मैंने कुछ कमेंट छोड़ रखे हैं, उस टॉपिक पे वीडियो लाने हैं तो मैं उसको कवर कर लूँगी अभी इधर के दिनों में, ठीक है? बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए और क्या खाते पीते हैं। थोड़ा सा तगड़ा वर्कआउट और तगड़ा डाइट करना पड़ेगा। मैं अपना कितना देर मैंने किया, 50 मिनट मैंने तेज वर्कआउट में करके आई हूँ, सॉरी वर्कआउट नहीं, वॉकिंग, 50 मिनट तेज वॉक करके मैं आई हूँ, ठीक है? तो देखो क्या वर्कआउट करती हूँ। अभी तो पानी पिया है फिलहाल, तो अभी तो थोड़े टाइम बाद ही करेंगे, ठीक है? तो पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज दाल रोटी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, शिमला मिर्च आलू ये सब डाल करके। तो अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ कट सब्जी को, और इधर मैंने दूध भी रख दिया है गर्म होने को, और मलाई इकट्ठी हो रखी थी तो मैंने घी निकाला, मतलब घी निकालने के लिए मैंने रख दिया था गैस पे मलाई को। तो इधर मैं घी निकाल लूँगी, उसके बाद से अभी देखिए कितना टाइम हो गया, 9 बज रहा है। तो यह मैंने ले लिया है सुबह सुबह, जैसे सब कोई चाय वगैरह पीता है तो मैंने तो अपना चाय की जगह पे वो गर्म पानी पिया। उसके बाद से एक शरीफा ले लिया है, मैं इसको खा लूँगी खाने के बाद। फिर मैंने वर्कआउट्स किया, कुछ काम वाम किया उसके बाद से किचन में, फिर आकर के वर्कआउट्स कर रही है अभी। उसके बाद से मतलब ये बैठने वाला, मैंने उकड़ू में बैठी थी 20 मिनट, 10-10 मिनट का 2 सेट। उसके बाद से मैंने किया वर्कआउट, यहाँ पे मैंने जंपिंग जैक किया 20-20 का 5 सेट मैंने किया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जंपिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो देखो यहाँ पे ऐसे क्रॉस में हाथों को करना है, ऐसे पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है? अब इस तरह से आप चाहे हाईनीस भी कर सकते हो बाबू नहीं, और एक जगह पे आप जंप भी कर सकते हो, और जंप करने का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी फुल बॉडी वेट लॉस होती है उससे। तो इस तरह से मैंने हाईनीस किया, ठीक है? 20-20 का मैंने 5 सेट किया। अब भी कर लेंगे माउंटेन क्लाइंबर, तो इसका भी ये जो पूरा वर्कआउट मैं कर रही ना, ये 4-5 एक्सरसाइज ही है। इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना, मतलब डेली यूज़ में भी आप इसको सिर्फ इसी को कर सकते हैं, अच्छा खासा वेट लॉस होता है इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छी वर्कआउट है। आप जब करोगे तो पता चलेगा, बहुत अच्छा पसीना आता है और काफ़ी ताकत काफ़ी एनर्जी लगती है करने में इसको। तो ये सारे वर्कआउट मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी स्टार्टिंग में मैंने यही सब किया क्योंकि कार्डियो का ये बेस्ट वर्कआउट होता है पूरा फुल बॉडी वेट लॉस के लिए, ठीक है? तो मेरा टमी वमी थोड़ा आ गया, देख रहे हो मैं हैवी लग रही थोड़ी। तो 2:20 हो रहा है, मैंने ले लिया है दाल, ठीक है? दाल में लौकी डाल रखी है मैंने, लौकी और कड़ी पत्ता और राइस मैंने तड़का दिया है थोड़ा सा ऑयल डाल करके। पूरे घर भर का मैंने फ्राई किया था, वही दाल मैंने लिया है। आधा घंटा पहले मैं बाबू को खाना खिला रही थी, आधी रोटी लेके और सब्जी के साथ, तो वो रोटी नहीं खाया है, तो वो रोटी मैंने खा लिया था शिमला मिर्च की सब्जी के साथ, ठीक है? इसलिए मैं सिर्फ दाल पीऊँगी, और ज़्यादा दाल है इससे मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि डाइट थोड़ा सा तगड़ा करना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसकी जगह पे एक पतली रोटी, गेहूं की भी रोटी खा सकते हैं, एक पतली रोटी, हरी सब्जी, मसाला नहीं, कम तेल में बनाई हुई, और दाल आप ले सकते हैं, इसके साथ दही ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं, ठीक है? ये खा सकते हैं आप। जल्द ही मैं डाइट वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि सभी लोग का कहना है कि एक तो वेट स्टक हो गया है, कुछ लोग का कहना है कि कुछ भी कर रहा है वेट नहीं कम हो रहा है, तो इसलिए मैं एक हार्ड डाइट लेकर के आऊँगी, ठीक है? उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है
बट सबसे होता नहीं है, बट लेकर के आऊंगी मैं, ठीक है? ट्राई करना आप सब, ठीक है? तो चलो मैं दाल पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? सो फ्रेंड्स, तो ये है शाम का टाइम, मैं आ गई हूँ पार्क। घर वालों को मतलब उनका नाश्ता वगैरह चाय वगैरह सब बना के दे करके मैं आ गई थी पार्क। और थोड़ा सा ही टाइम था मेरे पास क्योंकि घर पे गेस्ट आ रखे थे, तो उन लोग का थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गई थी उन लोगों में। तो 20-25 मिनट ही आई थिंक मैं वॉक कर पाई थी, तो यहाँ पे वॉक करा मैंने, मैं और मेरी फ्रेंड, और उसके बाद से मैं घर आ गई। अभी 8 बज रहा है, बाबू मत करो चोट लग जाएगी। और जो दोपहर में मैं दाल पी थी ना, दाल ज्यादा ही क्वांटिटी में था, वही खा करके मैं हूँ। और अभी तक मुझे भूख नहीं लगा है, पानी पिया है बस। हाँ बेटा, हाँ थोड़ा सा मैं बात करूँ फिर बोलना, ठीक है? चुप जाओ। तो अभी भी भूख नहीं है मुझे, बिल्कुल भूख नहीं है, फिर भी मैंने एक सेब ले लिया है। सेब मैंने दोपहर में भी खाया था, आई थिंक दाल पीने से पहले मैं एक सेब खाई थी, क्योंकि जब छोटी मोटी भूख लगती है ना तो मैं फिर फ्रूट्स वगैरह ही खाती हूँ, जब मैं वेट लॉस रूटीन में होती हूँ तब। और जब मैं ऐसे होती हूँ ना, जैसे अभी मैं 8-10 दिन जो भी खाई हूँ, 10 दिन 12 दिन कितना हुआ नहीं पता, जो भी मैं इतने दिन खाई हूँ ना, फिर मैं वो मेरा बड़ा गंदा शेड्यूल रहता है, पता है आप लोग को एकदम अजीब सा रहता है रूटीन। तब छोटी मोटी भूख लगती तो मैं क्या खाती हूँ, कभी बिस्किट कभी नमकीन ऐसे खाती हूँ। लेकिन मतलब ये रहता है ना कि अभी मैं रेस्ट पर हूँ, अभी मैं खाने पीने के मूड में हूँ, 8-10 दिन का है मेरा खाना पीना, इसलिए मैं खाती हूँ। जब ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई एक रूटीन में रहना है, वेट बिल्कुल बढ़ने नहीं देना है, तो फिर ऐसे ही मतलब जैसे अभी मैं कर रही ना वैसे करती हूँ, डाइट वगैरह फॉलो उस टाइप से मैं करती हूँ। छोटी मोटी भूख लगती है मैं बिस्किट नमकीन ये सब इग्नोर करती हूँ। तो और पिटाई करूँगी, तो ये है। तो और ये पता था ना अभी कि, तो ये अभी था ना कि मतलब वेट लॉस जर्नी में आना है, तब तो सब छोड़ देना, तब तो कुछ नहीं खाना है तो इसलिए खा पी रही थी, बहुत खाई पी हूँ, हर चीज़ खाई पी हूँ फुल एकदम। मैं सोच रही थी कि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ जाए, ताकि जो वेट इस तक है तो क्या पता अगर अच्छे से मैं करूँ तो बिना रुके कम हो जाए वजन बट देखो क्या होता है, ठीक है? तो अभी एक फ्रूट, एक एप्पल ले लिया मैंने, 2 पीस बाबू खा लिया, और ले लो बेटा। आ जाओ इसमें देख लो जरा। शिहाय हाँ, टंग दिखा दो अपनी टंग। नोजी किधर है आपकी? आईज ऐसे, हेयर नहीं नहीं हेयर, फॉरहेड हेयर, अरे ये ऐसे नहीं करो, हाँ फिंगर, ओए होए ओए होए, ईयर 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 ईयर, चिक किधर है? चिक 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 चिक, टमी किधर है? टमी, बाबू कहाँ है? आहा ये बाबू है मेरा हीरो बेटा। और मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? उड़ी कहाँ है मम्मा? दीदी उड़ी, हाँ ठीक है दीदी पढ़ाई कर रही है, चलो ठीक है जाओ, अब जाओ हो गया। अब मैं ABCD इनको पढ़ाती हूँ ना, के पढ़ाती हूँ तो बोलता है केक। तो वो सिस्टर का देखिए, जो अभी हम लोग का 20 डेज से जो चैलेंज चल रहा था ना, 20 तारीख से 20 तक था, है ना? तो उसमें नवरात्रि पड़ा, हम लोग 9 दिन का फास्ट किए, फिर इधर उधर हो गया ना, अच्छे से हुआ नहीं, बैलेंस बिगड़ गया था। मैं खुद अपना बता रही हूँ, तो आई थिंक आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों का हुआ होगा। वो चैलेंज अच्छे से कम्प्लीट नहीं हुआ, बट उन्होंने कम्प्लीट किया है, गीता कुमारी करके हैं सिस्टर, और 20 से 20 तक उन्होंने किया, और उनका 92 kg वेट था, अभी 88 हो गया है, 92 से 88 kg।
तो बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिला है आपको, सच में। आप ऐसे ही करते रहिएगा, बस हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है? और आप में हिम्मत है, क्योंकि मैं बीच में मतलब नवरात्रि के बाद अच्छे से वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, है ना, बट आपने कंटिन्यू रखा उसको, ये सबसे 5 किलो 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत। और एक सबका मतलब रूटीन गड़बड़ हो गया था, है ना, अभी कंटिन्यू कर लो, ठीक है, आराम से। मेरे अंदर तो फुल जोश आ गया है कि नहीं भाई, करना ही करना है, अब तो बहुत खा लिया, ऐसा हो गया, वेट भी बढ़ गया, तो उसको तो भाई डेफिनेटली कम ही करना है ना। तो बस साथ में एकदम जुड़ जाओ, आराम से करते हैं वेट लॉस, ठीक है? और ये चीजें आप इस चीज को लेकर के ना बहुत ज्यादा अपने माइंड पे प्रेशर ना डाला करो कि मतलब वेट लॉस नहीं हो रहा, या फिर किया फिर बढ़ गया, तो ये सब चीजों का ना टेंशन ना ले, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये चलता रहेगा भाई। देखो खाना पीना भी लगा रहेगा, शादी ब्याह फंक्शन त्योहार है, तो भाई एकदम से तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, एंजॉय भी करना है, खाना भी है, बढ़ेगा तो फिर हम कम कर लेंगे, पूरा दिन ये हमारा ही तो है, कौन सा कोई दिन कम पड़ रहा है या फिर हमें कहीं जाना है कि नहीं। तो आराम से घर पे हैं हम लोग, आराम से हम लोग को इतना टाइम मिलता है, जो लोग हाउस वाइफ हैं और सोचो उन लोग के लिए तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, उन लोग को टाइम भी नहीं है, तो भाई इस चीज़ का हम लोग का फायदा है, कम से कम हम लोग घर पे हैं तो आराम से अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो अपने आप को टाइम दो, वेट कम करो, खाओ पियो, फिर बढ़ेगा 1-2 किलो 3 किलो, फिर उसको कम करो आराम से। देखो मैं कितना टेंशन फ्री रहती हूँ, मुझे पता है मैं कर लूंगी आराम से कम, ये है, ठीक है? तो बिल्कुल आ जाओ, करते हैं, ठीक है? चलो मैं एप्पल फिनिश कर लेती हूँ, और अब आप सबसे सीधा मिलेंगे कल की वीडियो में, ओके? टाटा बाय बाय, लव यू, स्टे केयर, सी यू सून, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय बाय, वेरी गुड, बाय बाय।